गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 4 जुलाई है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं आप लोग, जिसमें केवल पीटी फैक्ट चीज़ें पूछी जाती है, उसमें हम लोग उसके भी पीटी फैक्ट को देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, कुछ बातें हुई हैं। सबसे पहले कि आदिवासी क्षेत्रों को समान नागरिक संहिता के दायरे में रखा जा सकता है बाहर, अर्थात जो आदिवासी क्षेत्र होता है जहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में पेशा एक्ट लागू होता है, उसकी बात हो रही है। मैंने पेशा एक्ट पहले भी आप लोगों की चर्चा किया हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जहाँ पर आपको ये टॉपिक कहाँ होगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 राज्य के नीति निदेशक तत्व से यह टैली करेगा। बीपीएससी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने जीएस पेपर 2 में पॉलिटिव जॉब सेक्शन उससे कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अदर स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस से टैली कराएंगे टॉपिक को। तो बात हो रही है कि विधि आयोग बार बार चर्चा कर रही है कि विधि आयोग अपना राय मांगी है जनता से, जिसमें आपको देख सकते हैं कि कितनी राय आई है। 25 लाख तक पहुंचने का उम्मीद है, जो 13 जुलाई इसका अंतिम डेट है पूरा होने का। 19 लाख तक सुझाव अब तक मिल चुके हैं इस यूसीसी के संदर्भ में। तो उसी को ध्यान में रख के विधि आयोग अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, जहाँ उसके बाद आगे के जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इसके संबंध में उससे पहले ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश के कुछ आदिवासी समूहों में समान नागरिक संहिता से दायरे से बाहर रखने का विचार किया गया है। भाजपा जो सांसद है सुशील कुमार मोदी, ध्यान रखिए, यह भी कानून और न्याय से संबंधित संसदीय समिति की अध्यक्ष भी हैं, की बैठक में ये विचार रखा गया, जहाँ पर विभिन्न दलों के 17 सांसद विधि आयोग के सदस्य में शामिल थे, और विधि आयोग भी इसमें शामिल था। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है संसद की, तो इसके संदर्भ में मैंने बात किया, वो स्थायी समिति क्या होता है, अस्थायी समिति क्या होता है, सभी पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देखिए और प्रीवियस नोट्स जाके युक्ति आई इसके ऐप पर डाउनलोड करके वहाँ जाके देख सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़ पेपर एनालिसिस का पैकेज होगा, वहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, आप वहाँ से चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके न्यूज़पेपर में आता है उसके अधिकतम टॉपिक को कवर नहीं किया गया हुआ। अगर 10 टॉपिक डेली आ रहे हैं तो मान के चलिए 7 से 8 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। बस 2 टॉपिक जो रहेगा, 2 से 3 टॉपिक जो रहेगा आपको, वो न्यूज नए रहेंगे, उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो जो 175-180 के आसपास वीडियो पीडीएफ होगा ऐप पर, उसे बार बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं वो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात है कि देश में पहले भी कई कानून हैं जिसमें पीछे कुछ रियासत मिली है। कई ऐसे कानून हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में सहमति के बिना वहाँ लागू नहीं होते हैं। ऐसे देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत से चीज़ें हैं जो अभी उभर कर सामने आएगी, पर ध्यान यह रखना है कि जो अंतिम रूप से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा, अंतिम फैसला क्या होगी, कैबिनेट की होगी कि उसे संसद के पटल पर किस संदर्भ में रखना, किस संदर्भ से, किस सीमा के साथ रखना था, तो उसमें किसे शामिल करना, किसे नहीं शामिल करना, किन क्षेत्रों को शामिल करना, नहीं करना, उसका कैबिनेट का अंतिम निर्णय होगा। और संसद के पटल पर जब ये विधेयक रखा जाएगा, उसके बाद जब सभी पार्टियां इस पर विचार विमर्श करेगी, तो अगर कुछ और भी होता है तो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अस्थायी समिति में भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर ये प्रोसेस है, उसके बाद जाके चीज़ें अपडेट होंगी। तो सारे कई पैमाने पे इसकी जांच होगी कि यूसीसी देश के लिए कितना हितकर है और किन वर्गों के लिए कितना लाभ देगा, कैसे हमारे राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करेगा, इसके संदर्भ में बातें यहाँ की जाएंगी। तो आप लोग को वेट करना, किसी भी धर्म पंथ विशेष लोग को यह टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपके साथ जातीय किया जाएगा। हमारे यहाँ विधि का शासन है, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में कानून बनता है। संवैधानिक व्याख्याओं के तहत जो लागू होगा वही लागू होगा, और सभी जो भी दल है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि कोई भी देश, मान लीजिए भाजपा है, तो यह कॉन्सेप्ट को बदल कर ला देगी,
ऐसा बिल्कुल भी विचार में नहीं लाइएगा, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट में नया फ्रेमवर्क बनेगा, क्योंकि पिछला जो विधि आयोग था उसका सबसे पहले तो नाम बताइए, कौन सा क्रम था पहले ये बताइए, उसके बाद किनके अध्यक्षता में वह विधि आयोग का गठन हुआ था, जो इस वर्ष का जो विधि आयोग है उनके पहले का विधि आयोग जो बात हो रही है उसके बारे में, कौन सा क्रम है, अब तक कितने विधि आयोग बन चुके हैं, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सब भूलना नहीं चाहिए, बार बार रिपीट होता है। जैसे ही प्रश्न आए, देखिए सब होता है क्या है, आप इंटरव्यू में बैठेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, अगर कहीं फंसिएगा आप नहीं दे पा रहे उत्तर, तो इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि कैंडिडेट को है ना थोड़ा सा कैजुअल बनाया जा सके और कैंडिडेट को थोड़ा सा इजी फॉर्म दिया जा सके। तो आप लोग ये सब चीज़ों को लेकर ध्यान एक्टिव मोड में रखिए। आज ऑडिट का इंटरव्यू है, बीपीएससी ऑडिट का इंटरव्यू है, तो जो लोग अगर आपके सहयोगी हैं, सब मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ बीपीएससी ऑडिट वाले एग्ज़ाम में, तो उनको आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि स्टार्ट हो चुका है मॉक, आज 3 कैंडिडेट का है, फिर नेक्स्ट डे 3 कैंडिडेट का होगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे आगे भी। चलिए अभी के सुझाव यहाँ दिया जाएगा, बहुत से सुझाव आए हैं, लगभग 25 लाख सुझाव आने का संभावना है, लास्ट जो डेट है, उसके बाद अलग अलग तरीके से इस पर क्या होगा कि फ्रेमवर्क बनेगा सुझावों के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए और जिसे प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, नौकरी के बदले जमीन घोटाला बहुत दिनों से चल रहा है, पहली बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इसमें नाम लिया गया है, ठीक है? 1 सेकंड रुक जाइएगा, कहाँ चला गया जी, नज़र नहीं आता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो देखिए पहली बार नाम लिया गया किसका, उप मुख्यमंत्री का। तो ध्यान आपको यह रखना है कि शासन प्रशासन में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर जब तक हम संबंधित व्यक्ति को तब तक नहीं सजा दिलाएंगे तब तक कानून का शासन का राज होगा ही नहीं, ये खुले मंचों पर आके ऐसी बातें करेंगे। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। संस्थाओं को यह सोचनी चाहिए या तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व है कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर जो भी पार्टियां आ रही हैं वो स्वच्छ कैंडिडेट को लेकर आए, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। पर हमारे शासन प्रशासन में ये आम है कि जो लोग क्रिमिनल होंगे वही दूत के दूल्हे माने जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी एक्स पार्टी है, इस पार्टी में वो बहुत सा ऐसा काम किया जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, दूसरे पार्टी में जाता है वो शुद्ध हो जाता है तुरंत, कौन सा ऐसा मशीन बना हुआ है भाई। तो यह जो दोहरी नीति है हमारे शासन प्रशासन के लिए बहुत घातक होता है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार के कार्य में संलिप्त है और उसकी उसकी पुष्टि होती है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक हम मुखिया को ही स्वच्छ मुखिया को ही नहीं रख पाएंगे तो प्रशासन का अन्य लोगों को कैसे रखेंगे, यहाँ पर यह समझने वाली बात है। और जिस दौर की बात हो रही है उस दौर में हाहाकार मची हुई थी इस प्रकार की लूट घसोट की, मार काट अपहरण की लूट घूस मची हुई थी, लालू यादव जी का कार्यकाल जो रहा था उसमें चीजें स्पष्ट नहीं है। ऐसा कि मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ और मेरे रिलेशनशिप में भी ये लोग आते हैं, मैं जहाँ तक आप लोगों के बाद बताया था, इनकी जो बड़ी बेटी मीसा भारती हमारे गांव में ही इनका शादी हुआ है, तो दूर के रिश्तेदार हम लोग लगते, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। रीजन इसके पीछे यह है कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो कानून का शासन है उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है, ना हम हो सकते हैं ना आप हो सकते हैं। आप बस यह मानिए कि आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो यह जब तक हम तय नहीं कर पाएंगे तो इसी प्रकार की चीज़ें उभर कर सामने आएगी। वो देश के किसी कोने की बात हो रही, किसी भी नेता अभिनेता की बात हो रही, किसी भी शासन प्रशासन के लोगों की बात हो रही है। अब सिंगल जैसे झारखंड का केस स्टडी लीजिए, एमपी का केस स्टडी लीजिए या किसी देश के किसी कोने का केस स्टडी लीजिए, यह क्यों बार बार घटना हो जाता है, या आज तक 75 वर्ष में लोग तय नहीं कर पाए हैं शासन के लोग, क्यों बार बार ऐसी घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। तो यह क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं हो पाता है, रुक पाता है कि हम शीर्ष स्तर पर सजाए ही नहीं दे पाते हैं, उनके पास राजनीतिक गठजोड़ होता है, राजनीतिक पावर होता है, सत्ता का अभ्यास करते हैं ये लोग, सत्ता का अभ्यास करते हैं तो जो सत्ता का अभ्यास करेगा वही प्रभावशाली
सबसे पावरफुल होगा। न्यायपालिका में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप लगा सके और अधिक से अधिक सजाएं दे सके। किसी किसी मामले में 13 साल चलता है, 17 साल चलता है, 21 साल। सभी संस्थाओं को शर्म से अपने पानी अपने गिरेबान में झांकने चाहिए। अगर हम इस दौर में 21वीं दौर में जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाने में हैं, मग्न है, और उसमें ये सब घटनाएं है ना, उसके लिए जवाबदेहिता तय नहीं हो पा रही है। आने वाले 50 साल में आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई रोड मैप है कि हम विकसित होंगे तो इस प्रकार के संस्थाओं को लेकर कैसे काम करेंगे? सोच के देखिएगा। अभी इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। संस्थाओं को कैसे जवाबदेह होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य। अभी स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, स्मार्ट शहरों का बात हो रहा है। अभी बरसात हुई है, एक पानी बरसात नहीं हुई, मानसून की पूरी शहरों की स्थिति देख सकते हैं, बजबजा चुका है, पूरी शहर गंदे हो चुके हैं। देश का कोई भी कोना ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर स्थितियाँ बदतर नहीं होगी। तो केवल योजनाओं को लाने मात्र से नहीं होता है, यह प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सोचनी होगी कि हमें कैसे बेहतर शासन प्रशासन करना, सेवाओं की आपूर्ति करना। नहीं तो केवल क्या होगा, ऐसे ही 17 साल, 20 साल, 23 साल, 25 साल मुकदमे चलते रहेंगे। वो सीबीआई जांच कर रही हो, आईबी जांच कर रही हो, या लोकल पुलिस जांच कर रही हो, किसी को अंतर नहीं होगा। तो यह चीज समझना, संस्थाओं को मजबूत स्वयं से होना होगा। अब चुनाव आयोग नियम निकाले कि हम उम्मीदवार बनने ही नहीं देंगे जिन पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रत्यारोप लागू होगा। तो ये क्षमता कौन डेवलप करेगा? स्वयं चुनाव आयोग करेगा, संस्थाओं में होनी चाहिए। न्यायपालिका इसे करवा सकती है, अगर संस्थाएं नहीं कर पा रही है, दबाव है उसे, विधायिका की दबाव है, तो न्यायपालिका कर सकती है। तो न्यायपालिका में बहुत स्वयं प्रश्न उठते हैं, उनके भी दूध के दूल्हे लोग नहीं है। आप जाके देखिए, देखिए आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहा है, यह समझने वाली बात है, कहाँ ड्रॉबैक है, कहाँ फॉल्ट है। तो जब तक हम नासूर नहीं, चीज़ों को, घाव को जब तक नासूर बनने की स्थिति में नहीं आए, तब तक इलाज नहीं करते हैं। तो फोड़ा फुंसी उसी समय ठीक कर लेना चाहिए ना। अब घाव होगा, कैंसर होगा, तब उसे ठीक करेंगे। अब भ्रष्टाचार अभी भी कैंसर बना हुआ है। अब देखिए, पहली बार सेंसेक्स जो है 65,000 को पार किया है। तो थोड़ा इसके आंकड़े एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, और विशेष कुछ नहीं करना, ताकि कभी कहीं यूज करना कर सकते हैं। अब 3 वर्षों के विज्ञापन पर खर्च का ब्यौरा दे दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया। देखिए, इसी प्रकार से जवाबदेही तय करनी होगी। थोड़ा सा भी लगे न्यायपालिका को कि शासन प्रशासन अपने दायित्व से थोड़ा सा भी 19-20 कर रहा है, उससे जवाब तलब कीजिए। जवाब तलब जैसे ही कीजिए, सारा शासन प्रशासन एक्टिव मोड में काम करना शुरू कर देगा। बस करना कुछ नहीं, जवाब करते रहिए, सवाल उसे पूछते रहिए। 10 सवाल का पूछिएगा, वो सारे सिस्टम सही होने लगेंगे। पर ये किया कौन, कब, कितनी सीमा तक किया जाएगा, ये भी तो डिसाइड करे न्यायपालिका। कि हर राज्यों के कम से कम एक, तो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि न्याय उच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक अलग से पैनल बनाना चाहिए। क्या पैनल बनाना चाहिए? कि जो प्रशासनिक महकमा है, प्रशासनिक कार्यकरण है, वहाँ की रिपोर्टों को, है ना, रिपोर्टों को, कार्य समीक्षाओं के संदर्भ में संज्ञान ले कि भाई तुमने किसी परियोजना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में देखते होंगे। अभी देखिए, बिहार में पुल गिर गया ना, किसी भी न्यायपालिका के दिमाग में यह बातें आई नजर में कि पुल गिर जाना सबसे बड़ी बुरी बात नहीं है? उस शासन प्रशासन पर कितना सवाल हो सकता, कितने भ्रष्टाचार के मानक तय किए जैसे, भ्रष्टाचार के आरोप तय किए जैसे, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लिया जाना चाहिए था, या अन्य कोर्ट के द्वारा भी जो अन्य राज्यों के हैं, क्योंकि वह क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं, लिया जा सकता है स्वतः संज्ञान। जांच करनी चाहिए, तो तुरंत एक्टिव मोड में आ जाता सारा सारा शासन प्रशासन। पर नहीं, हमारे यहाँ सभी चीजें अपने अपने काम से करते हैं। हाँ, किसी जज की रोक के हत्या कर दी जाती है तो स्वतः 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 संज्ञान हाई कोर्ट के द्वारा ले लिया जाता है, क्योंकि उनके महकमे के लोग हैं। अन्य लोगों के साथ ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, उनको रोक लिया जाता है बाजार पर। मैं ये नहीं कहता ये सही है या ये गलत है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन को मजबूत करना है तो सारी संस्थाओं को एक्टिव मोड में काम करना होगा। नहीं तो इसी तरह से फंड कहीं आएगा और रिलीज कहीं और होगा। तो यहाँ पर बात पूछी गई है कि एक प्रोजेक्ट था रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम लोग आर
RTS कहते हैं, ठीक है ना, जो क्या था कि दिल्ली NCR है, उसे बढ़ाकर दिल्ली को राजस्थान हरियाणा राजस्थान से जोड़ना, NCR का संदर्भ आप तो देखते होंगे। इसके तहत हाई स्पीड रेल सेवाएं देनी थी और नॉन पीक टाइम टाइम के मिल जो था, इसके जरिए नॉन पीक टाइम में माल ढुलाई की जा सके और रैपिड रेल को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा सके। तो यह प्रोग्राम था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पैसे की कमी होगी, इस परियोजना में पैसे की कमी होगी, तो दिल्ली सरकार को फटकार लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यह बोला जाता है कि कई वर्षों से देखा जा रहा है कि आपके विज्ञापन अधिक हैं, तो क्या करना, 3 वर्षों के जितने भी विज्ञापनों पर किए गए खर्च है उसका विवरण प्रस्तुत कीजिए कि आखिर इसे किस मद से खर्च किया जा रहा है, तब तो समझा जाएगा ना कि क्या इसी मद से हो रहा है कि अन्य मद से हो रहा है। और आप देखते होंगे सरकार के होल्डिंग पोस्टर जो लगे होते हैं, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च होता है, ऐसे ही थोड़ी लग जाता। अरे ये सभी पार्टियां करती है, केवल आम आदमी पार्टियां नहीं करती है, सभी केंद्र के पार्टियां, राज्यों की पार्टियां। अभी मैं महागठबंधन का पटना में था तो आप लोगों को बताया था कि महागठबंधन की रैली हो रही है, तो पूरा पटना उसे पोस्टरों से छपा हुआ था। तो इसमें खर्च कहाँ से आया, तो कोई जवाबदेह मांगा, ऑडिट हुआ किसी का, नहीं होगा, क्योंकि तो राजनीतिक सत्ता का अभ्यास कर राजनीतिक दल। यह कौन लेगा संज्ञान कि मान लीजिए, अब वही हंसी की बात यह है, मजाकिया बात यह कहिए कि पटना हाई कोर्ट के सामने इतने होल्डिंग लगे हुए थे और किसी न्यायालय के किसी जज के द्वारा यह तक नहीं किया गया कि तुम इतने सभी लोग इतना पोस्टर लगाए क्यों हो, कहाँ से लगाए हो, पहले तुम तो हमको ब्यौरा दो। अब यह क्षेत्र नहीं है, बस एक बार एक्टिव मोड में काम तो कर ले तो सिस्टम सही हो जाएगा। तो केवल क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा यही बात है कि मेरे पास जो आएगा हम उसे ही देखेंगे, स्वतः संज्ञान उन मामलों में देंगे, सबसे संगीन मामला होगा। केवल नोटिस मात्र जारी कर देने से ही महकमे ठीक हो जाएंगे, बाकी कहानियां आगे हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे, आज थोड़ा मूड में मैं भी हूँ खिंचाई करने के लिए सभी लोगों का, और गलत खिंचाई नहीं कर रहा, उसका संदर्भ समझिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय चरित्र को आकार देने में हिंदी मददगार हो सकती है, मांडविया जो हमारे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ये बात की गई है। और हिंदी बनाम दक्षिण का विवाद बहुत रहता है, आप लोगों को मैंने पहले भी कवर किया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किया गया है या नहीं किया, नहीं किया गया होगा तो नेक्स्ट कभी मैं चर्चा कर दूंगा, क्योंकि हिंदी बनाम दक्षिण का विवाद हमेशा रहता है कि मातृभाषा, हिंदी बनाम मातृभाषा का कॉन्सेप्ट भी आपको लागू किया जाता है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ये सब चर्चा होती है, तो हम लोग कभी चर्चा करेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो कर दिया गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाइए। मणिपुर में हालात समान करने के लिए क्या कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माना पूछा गया है, तो यह अब अपडेट कुछ होने वाला है, तो हम लोग जिस दिन अपडेट होगा चर्चा करेंगे। हालांकि मणिपुर के बारे में सभी विस्तृत चर्चाएं हो चुकी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जब तक न्यायालय के द्वारा कुछ चीजें नहीं स्पष्ट कर दी जाती है, तो हम लोग इस पर चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये मर्यादा के विपरीत हो जाएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास की छलांग मार रही है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, तो ये केस स्टडी के तौर पर आप समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन अगर चाह ले कि हमको व्यवस्थाओं को सही करना है, सेवा की आपूर्ति को सही करना है, तो इसके रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले 2019 से पहले यहाँ क्या होता था, बंद होता था, हड़ताल होता था, प्रदर्शन होता था, लोग सेना के गाड़ियों पर पत्थर मारते थे ना, भीड़ के भीड़ इकट्ठा होते थे, आतंकवादियों का अगर जनाजा जा रहा उसमें लाखों के लाखों भीड़ जाते थे। पर क्या ऐसी स्थिति अब है, बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र की है, कहीं छिटपुट घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, पर जो समान धारा में लोग आए हैं उसका रिजल्ट हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो लोग समान धारा में आए हैं। तो समान धारा में आए तो दो तीन चीजें याद रखिएगा, उस क्षेत्र में अवसंरचना विकास बहुत तेजी से हो रहा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो रहा होगा, सेवा आपूर्ति तेज हो रही होगी, सेवाओं और आपूर्ति की मांग बढ़ रही होगी, तो सेवा की मांग बढ़ रही हो तो उसकी आपूर्ति अर्थात डिमांड और सप्लाई तेज हुआ होगा, रोजगार के लोग नए नए अवसर क्रिएट किए होंगे, कौशल विकास का डेवलपमेंट हुआ होगा, ये सब मानक है। उसके अतिरिक्त हम आर्थिकी के आधार पर भी तय कर सकते हैं कि
कि कोई क्षेत्र कितना विकसित हो रहा, कितना विकासशील अभी है, कितना अल्प विकसित है। क्लियर है? तो देखिए, जीएसटी संग्रह की कुछ रिपोर्ट आया जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, कि लगातार कि जो जीएसटी संग्रह का जो है स्तर बढ़ रहा है, तो यह भी हमें लाभ देगा, हमें प्रभावित करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंजाब पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 25% है ना जीएसटी संग्रह बढ़ा है, और हिमाचल प्रदेश में यह 20% बढ़ा। तो जम्मू कश्मीर में कितना हुआ 2022 की तुलना जून 2023 में, यह 58% की वृद्धि है। सोच के देखिए, 58% की तेजी आई है जीएसटी संग्रह में। तो जीएसटी किससे जुड़ा हुआ है? वस्तुओं सेवाओं से जुड़ा हुआ है ना? तो वस्तुओं सेवाओं का डिमांड कब होता है? जब पब्लिक डिमांड करेगी तब ना। कैसे ही? केवल कंपनी बनाएगी या मार्केट में छोड़ देगी? भाई जाओ, हम लोग को जीएसटी संग्रह सही करना, सरकार को ये लगता होगा। ऐसा है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डिमांड हो रहा होगा राज्य में, तो ही तो सब सेवा किया जा रहा होगा, आपूर्ति की जा रही होगी वस्तुओं सेवाओं की, तो जीएसटी संग्रह होगा। तो जीएसटी संग्रह का आंकड़े बदल रहे, इसका मतलब लोग क्या हो रहे, विकास के लिए जरूरतें बढ़ी हैं उन लोगों की। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संग्रह दिया गया है 2019 में और वर्तमान में, देखते हैं कितना गुना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इंक्रीजमेंट आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, केस स्टडी और भी आप सुनिएगा कि बिहार के भागलपुर में फोन पर पूछे गए 2000 पोस्टमार्टम किए गए, फोन पर पूछ कर। देखिए, इससे बड़ा मजाक हमारे सिस्टम के लिए नहीं हो सकता है, और शर्म से डूबनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री बिहार को और पूरा महकमा को, कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ की बात करना चाहते हैं, हम बनाएंगे स्पेशल स्पेशलिटी, बनाएंगे पीएमसीएच को, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेड वाला बन रहा है ना। पर धरातल पर देखिए क्या स्थिति है, कि जिसे पोस्टमार्टम करने के लिए जवाबदेह नहीं, वो पहली बार पोस्टमार्टम कर रहा है। जो व्यक्ति मर जाए तो उसका पोस्टमार्टम होता है, और वो भी कौन किस तरीके से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है। तो सोच के देखिएगा क्या स्थिति है, दशा हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर जो एकमात्र चिकित्सक है डॉक्टर धीरज कुमार, के पास पोस्टमार्टम करने की योग्यता नहीं है, अर्थात वो सर्जन नहीं होंगे, लेकिन वह पिछले 2 साल से क्या यह काम कर रहे हैं। अब तक 2000 से अधिक पोस्टमार्टम उन्होंने अपने सीनियर से फोन करके पूछ कर किया है। सोच के देखिए, वह कहते हैं कई बारीकियों को तो उन्हें समझ में ही नहीं आता, बावजूद उसने यह काम कराया जाता है। मैं खुद ही इसका भागी हूँ, मैं इसका जवाबदेह हूँ। जब मैं WHO में काम कर रहा था, उस समय भी ये घटनाएं में देखा, और आज भी मैं जिस ब्लॉक में रहता था, मेरे फादर वहां रहते थे, हाल ही में रिटायर किए, तो वहां पे डॉक्टरों का समूह है, 5 डॉक्टरों का पीएमसीएच में होता है, पांच कम से कम 5 लोग डॉक्टर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से अन्य विभागों में डॉक्टर होते हैं, जैसे कान के लिए होते हैं, आईज के लिए होते हैं। तो इस आई डॉक्टर को, और जो कान के डॉक्टर हैं, आँख के डॉक्टर हैं और कान के डॉक्टर हैं, उनको क्या किया जाता है, इमरजेंसी ड्यूटी दिया जाता है। यह धरातल की स्थिति। और मैं एक दिन पूछा भी था अपने गार्जियन से, क्या स्थिति अभी तक ऐसी बनी हुई है? तो बोले बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टरों की योग्यता पर भी नहीं है, जो लोग उसके लिए योग्य भी नहीं है। सोच के देखिए, जो आँख कान डॉक्टर है, या तो जो आपको आयुर्वेद का डॉक्टर है, ब्लॉक पीएससी में एक नया पोस्ट सृजित हुआ है आयुर्वेद का, अगर वो जाके इमरजेंसी में कर रहा है काम, तो इसका मतलब इससे बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता जनता के साथ। और ये सभी लोग है, ये झारखंड की बात हो रही है, और आप जाके केस स्टडी कर सकते हैं अपने ब्लॉक में, अपने नजदीकी जो भी ब्लॉक होगा, पीएससी होगा, या तो जिला मुख्यालय होगा, जिला अस्पताल होगा, जाके वहाँ चेक कीजिएगा, तो ये स्थिति देखने को मिलेगी। और हम वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा ऐसा बात बोला जाएगा नेताओं के द्वारा पब्लिक जनता के लिए, तो जनता को लगेगा नहीं यही स्वर्ग है, पर धरातल पर यही है। तो ये चीज समझिए, केस स्टडी। तो इस कौन जवाबदेही होगा इसका? इसके लिए जवाबदेही आपको शासन प्रशासन को बनना होगा। कौन करेगा, इसे कंट्रोल करवा सकता है? आदि अगर कार्यपालिका कर ली अपने स्तर पर, बहुत अच्छी बात है, विधायिका करेगी अपने स्तर पर, ठीक है, नहीं तो न्यायपालिका ही अंतिम रूप से इस पर ना जवाबदेही तय करेगी। अब 100 खोज नोटिस जारी कर सकती है इसके लिए न्यायपालिका, पर करेगी नहीं, क्योंकि उनको भी अपने अपने कार्यदायित्व तो अलग अलग बनाए हुए, सभी सेटअप लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है ना? थोड़ा तो अब देखिए, सोसाइटी यहाँ पर देखिए, बेहतर प्रबंधन प्रबंधन करने की क्षमता हो तो हम स्मार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट है वो जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। शहरी विकास के लिए नसीहत, शिमला का स्मार्ट स्मार्ट जो कोशिश है, जो
अब ध्यान रखिएगा, ये केस स्टडी मॉडल आपके लिए बन सकता है, स्मार्ट शहर को कैसे डेवलप किया जाए, शिमला का मॉडल आप इसको तय कर सकते हैं, केस कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सारी चीजें यहाँ लिखी गई, एक बार देख लीजिएगा, जो केवल पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए, कोई स्पेशल इसमें बातें नहीं की गई है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, एक नया आपको आविष्कार हुआ जिसको आप लोगों को जाननी चाहिए, स्वदेशी हाइपर लूप परिवहन तकनीक पर आईआईटी मद्रास को मिल रही है गति शक्ति, अर्थात अभी हाल ही में हाइपर लूप परियोजना के बारे में चर्चा हो रही थी, इससे प्रश्न भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में किया गया था आप लोग से, तो मद्रास को क्या मिला मिला है, रिसर्च किया गया तो उस पर सफलता मिली है कि देश की सार्वजनिक परिवहन को अत्यधिक बनाने के लिए अत्याधुनिक बनाने, ट्रेन और मालगाड़ी की रफ्तार भी तेज की जा सकती है, शहरों के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे नए परिवहन माध्यम तेज हो चुके हैं, इसी क्रम में शोध और नवीनेश्वर अर्थात R&D किया जा रहा है IIT आपको मद्रास के द्वारा, जिसमें हाइपर लूप परिवहन को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी तकनीक के रूप में से गति शक्ति मिल रही है, संस्थान के आविष्कार टीम द्वारा क्या किया गया, IIT मद्रास में इसके 3 पेटेंट प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा यह आपको जानकारी रखना चाहिए, जैसे स्पेस टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ हम लोग कर पाएंगे। देखिए हाइपर लूप परियोजना आप लोग को पहले भी मैंने बताया, तो उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, रूस की निर्भरता की समीक्षा का समय आ गया है, याद आया आप लोगों को कुछ बातें मैं इसके संदर्भ में पहले भी कहा हूँ, आज से 15-20 दिन शायद पहले, या 4 सप्ताह 5 सप्ताह 1 महीना मान लीजिए आप, कि जो रूस की स्थिति हो रही है उसमें निर्भरता हमारा जो बढ़ा हुआ तेल आपूर्ति भी या अन्य संसाधनों में उसको कम करिए, वैकल्पिक तौर पर अन्य भी चीजें हम लोग को डेवलप करना चाहिए, तो अब समय आ गया कि समीक्षा करने की स्थिति है, अब क्यों है उस पर चर्चा यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया, उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में कुछ विवाद हुआ है रूस में, तो रूस उसका उनका आंतरिक विवाद है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, सारी चीजें आंतरिक बाद में की गई बातें की गई हैं, पर हमारे लिए जो जरूरी है वो हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ नीचे आ जाइए कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका नाटो के भारी दखल चलते रूस ने चीन के लिए निर्भरता बढ़ाए जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो दोनों के संबंध प्रगाढ़ हुए, भारत और सॉरी चीन और रूस के, तो भू राजनीति समीकरणों को बिगाड़ दिया कि पहले क्या होता था, एशिया पैसिफिक में भारत को सपोर्ट करता था रूस, अब है कि चीन सपोर्ट करने लगा यूक्रेन के मामले में चीन रूस को, तो अब आने वाले समय में एशिया में कुछ विवाद होगा तो रूस के पास विकल्प नहीं बचेगा कि हम करें क्या, क्योंकि चीन आपकी विपत्ति के समय साथ दिया है, तो आप उसका ही साथ दीजिएगा ना, हम हर मुद्दे पर नहीं तो अगली बार का आपको साथ कैसे देगा, तो ध्यान रखिएगा अगर आने वाले भविष्य में विवाद क्रिएट होता है ऐसा जैसा यूक्रेन और रसिया के बीच हो रहा है विवाद, अगर वैसा होता है तो रसिया के पास यह प्रश्न चीन खड़ा हो जाएगा, वो करे क्या, तो वहां पर जैसे भारत ने भी न्यूट्रल रहा वैसे वो भी रहेगा, तो हमारे हित प्रभावित होंगे ना, तो एशिया राजनीतिक समीकरण जो थे वो बिगड़ रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा ये बदलाव कैसे हो रहा है, किस संदर्भ में हो रहा है, तो 1971 में चीन पाकिस्तान की सहायता के लिए सेना इसलिए नहीं भेज पाया था क्योंकि उत्तर में रूसी हमले खतरा में था, हमें सपोर्ट कर रहा था तो चीन भेज नहीं पाया, और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कमजोर होता गया, चीन आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा, तो ये भी कहीं ना कहीं चीन के साथ जो हमारी जो जो स्थितियां बनती है, और रूस को कंट्रोल रूस उसे कंट्रोल करता था वो अब और भी प्रगाढ़ उन दोनों के रिश्ते हो गए, तो ऐसे विपत्ति के मामले क्या चीन के पास ऐसे विकल्प होंगे जो हमें प्रोवाइड पहले जो किया करता था वो कब अब कर पाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ना करने में संकोच, करना भी चाहे तो संकोच करेगा जैसे इंडिया करता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसके लिए हमें अन्य विकल्प तलाशने होंगे, उसमें कुछ विकल्प है उसे ध्यान रखिएगा, देखिए भारत स्थिति आपात स्थितियां विशेषकर चीन से टकराव की स्थिति में रूस पर कितना निर्भर रह सकता है, जो बातें मैं कह रहा हूँ, समान स्थिति में रूस से आने वाले सैन्य साजो सामान में भारत पहुंचने को लेकर विलंब की शिकायतें हो रही है, यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी रक्षा उत्पाद पहले से ही दबाव में है कि हमें पहले अपने देश के बचाने के लिए अपने देश की लड़ाई के लिए उपकरण चाहिए तो हम आपको कैसे भेजेंगे, ये सब बातें हो रही है, वहीं चीन भारत को तनाव घट नहीं रहा है, दोनों के बीच में तनाव ऐसे ही बना हुआ है,
अमेरिका से हमारे सैन्य रिश्ते अवश्य सुधर रहे हैं, किंतु उनकी प्रकृति सामरिक महत्व की दूरगामी सैन्य परियोजनाओं से अधिक केंद्रित है। कि सामरिक महत्व की जो दूरगामी सैन्य परियोजना उस पर अधिक केंद्रित है कि हम हिंद प्रशांत महासागर में कैसे खुद को बिल्डअप कर पाए, पर हमारे सीमाओं को लेकर तो नहीं ना है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्ति करता है। यह स्थिति रातों रात नहीं बदली जा सकती है। चीन के बढ़ते खतरे को लेकर अमेरिका क्वाड जैसे मंचों का सक्रिय बनाने के अलावा भारत के साथ सामरिक साझेदारी पर निर्भर गंभीरता से काम भी कर रहा है, लेकिन संकल्प के स्तर पर अभी भी कहीं ना कहीं पेशो पेश है और विलंब हो रहा है। तो अमेरिका महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार देशों में आंतरिक मामलों में प्रवर्धन करने वाले आते उससे छुट्टी बाज नहीं आता है, तो वो कंट्रोल करना चाहता है। ये सब चीजें आपको देखना होगा। इसका उदाहरण हालिया देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जो गए थे अमेरिका, तो अमेरिका की यात्रा के दौरान उनसे सवाल पूछा गया अल्पसंख्यकों की स्थिति में, तो शरारत भरा एक सवाल पूछने वाली एक पत्रकार की भारतीयों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर आलोचना की गई, तो व्हाइट हाउस द्वारा एक कड़वा बयान जारी किया। यह समझाना भी आवश्यक है कि अमेरिका में वोक कल्चर के नाम पर उपज रही एक अब संस्कृति, वो कल्चर कहने का मतलब हम बिना फीस का वकील बनेंगे, आपके बारे में कुछ राय देंगे, ठीक है ना, वो बातें समझिएगा, जो छोटे छोटे बच्चों के यौन वस्तुओं की तरह देखती है, दिखाती है, संस्कृत रूप में उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि चीन हमारे लिए खतरा है। तो यह भी एक समस्या क्रिएट होती है। तो वो कल्चर समझिए जितना है ना, उससे कहीं ज्यादा हमें दिखाया जा रहा है, तो ये भी आपको समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो यह कहीं ना कहीं क्या करता है, हमें आत्मबोध आत्मचिंतन के विषय पर बल देने की बात करता है कि समय आ गया कि आप लोग इस सब चीजों को लेकर अपडेट हो जाओ, सही हो जाओ, और जो समक्ष चुनौतियां आने वाली है उसके लिए हमें तैयार रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी जहां तक राय है कि हमें अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए हमें सशक्त होना चाहिए इस देशों, क्यों हम दूसरे देशों पर डिपेंड रहेंगे। हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का क्षमताओं की कमी है, पैसे की कमी है, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, हम बड़े बड़े हथियार रूस और अमेरिका से खरीदेंगे, बड़े बाजार के तौर पर हम उभर कर सामने आएंगे, ठीक है। तो इसे ठीक करने की जरूरत है। वन सेकेंड होल्ड कीजिएगा, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आर्थिक सुधार सूत्रधार राजमार्ग है, NH है, और आप मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि नितिन गडकरी को न्यू इरा ऑफ NH बोला जाता है, ये भी कहा जाता है। तो देखिए व्यवस्थित क्या समझने का प्रयास किया, 2021 में सड़क दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख लोग जान दिए और लगभग 3.84 लाख लोग घायल हुए। 2020 में यह सड़क हादसा 1.3 लाख लोगों तक जान गई और लगभग 3.4 लाख लोग घायल हुए। लिहाजा क्या केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के अपने प्रयास के अलावा सड़क दुर्घटनाओं की कम करने के लिए उसकी प्राथमिकता दी है। और आप लोगों को पता है एक सीरीज चलाया था दैनिक जागरण, आपको इस सीरीज चलाया सड़क सुरक्षा पर, तो उस आंकड़े को याद रखिएगा। और मैंने आप लोग को गेस किया इस साल के प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं इसके प्रश्न दिख जाएंगे, तो इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। सरकार सड़कों पर ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए क्या कर रही है, 40,000 करोड़ खर्च कर रही है। पहली बार ऐसी है कि मानवीय व्यवहार को, मानवीय लोगों के संदर्भ को समझा जा रहा है और क्या किया जाए उनके रक्षा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। 40,000 करोड़ मायने रखता है ना, केवल इसलिए कि ब्लैक स्पॉट को हटाया जाए, जो दुर्घटना होती है उसको कम किया जा सके, ठीक है। उसके आगे 2014 में जो सरकार बनी थी, देश में राजमार्गों के निर्माण की गति लगभग क्या की है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, किधर किधर चला गया जी, देखिए क्या क्या होता है। और आप लोग को लगता है कि नहीं, सर को देने में, अंडरलाइन करने में आसानी होता होगा, तुरंत कर लेते हो। अरे 7 बजे से मैं 8 बजे से लगा हूँ, 7 से लेकर 8 बजे तक अन अकेडमी में क्लास लिया हूँ, और 8 बजे से लगा हूँ, 11 बजे तक कंटिन्यू दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में लगूंगा, तब जाके पास आपके पास एक वीडियो हो जाता है। फिर भी आप लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं कि क्या इसमें उत्तर देना, कुछ लोगों को द्वारा उत्तर दिया जाता है, बाकी लोग कहानियां बस पूछते हैं व्हाट्सएप करके, सर पेपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, वीडियो को क्यों नहीं आ रहा है, बस व्हाट्सएप पर यही करिएगा मैसेज आप लोग, क्योंकि सभी को मैंने नंबर दे रखा है, मैं नंबर ही चेंज करूंगा तभी आप लोग को समझ में आएगा।
इन्हें फैकल्टीज अगर बात नहीं होती है तो क्या दिक्कत होता है, समझिएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि सर इसके बारे में कुछ सवाल है, जवाब है, कैसे आंसर लिखा जाए, क्या किया जाए। और यूपीएससी और पीसीएस के निकालने की क्षमता आप लोग रखना चाहते हैं कि नहीं, हमें होना चाहिए। सोच के देखिएगा, एक दिन बैठ के स्वयं मंथन कीजिए, यूपीएससी क्यों निकालनी है आपको और कैसे निकाला जाएगा इसका मंथन कीजिएगा आप लोग। पीसीएस अगर निकालना चाह रहे हैं तो क्यों निकालना है और कैसे निकाला जाएगा, क्यों हमको पीसीएस अधिकारी बनना है और क्यों यूपीएससी अधिकारी बनना है, आकलन कीजिएगा। सारे प्रश्न का जवाब आपके पास होगा, पॉइंट वाइज आपको चीजें करिएगा, लिखिएगा। ऐसे ही मैंने बातें बोलता ना हवा में, मैंने वहां तक पहुँच कर असफलता प्राप्त की है, तब मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी तक अभी से नहीं कीजिएगा तो स्थितियाँ बहुत से बदतर हो जाएंगी। ये पॉसिबल है ही नहीं, कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को पढ़ के जा रहा है तो 100% वो चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में A to Z वो पॉइंट को लिख कर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। मात्रा कम हो जाती है, पर लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसके रेशियो को बढ़ा पाइएगा, यही ध्यान रखिएगा। और ये जो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट ने ये किया उसी की सफलता होगी, बाकी कहानियाँ तो कहानियाँ ही बनी रह जाएंगी। देखिए तो क्या हुआ, पहले कितना होता, 16.5 किलोमीटर आपको पहले क्या होता था, 1 सेकंड, पहले जो सड़क बनता था प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर की प्रतिदिन सड़क बनती थी, NH बनती थी 2014 से पहले, पर पहले ही वर्ष से 16.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है, वर्तमान में 21 किलोमीटर बन रही है, और 2023 तक, ध्यान रखें यहाँ थोड़ा सा दैनिक जागरण के द्वारा भी लेख में इरर हो गया, 2020 लिखा गया, ठीक है ना, ये नहीं होगा 2030, इसे मानिएगा आप लोग। 2030 तक यह प्रतिदिन 36 किलोमीटर प्रतिदिन डे के हिसाब से बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आप समझिएगा, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, आगे बढ़ना। अब यहाँ पर बात हो रही है कि हम भारत माला प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अब भारत माला पर प्रश्न भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, जाकर प्रीवियस ईयर देखिएगा, उसके सारे आयाम यहाँ दिए गए हैं कि भारत माला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो यहाँ पर बातें की गई है कहाँ से कहाँ भारत माला परियोजना स्टार्ट किया गया, ये सब पेपर में देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि कैबिनेट ने क्या किया, अक्टूबर 2017 में मंजूरी दी थी भारत सागर माला प्रोजेक्ट को, तो जुलाई 2018 में मंत्रालय ने 5 औद्योगिक गलियारों का चयन भी कर लिया, और जनवरी 2020 में देश भर में 22 एक्सप्रेस वे निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें लगभग 16 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड अर्थात कहने का मतलब नया एक्सप्रेस वे था, पुराने पर नहीं बनाया गया था, नया बनाया था, 16 ग्रीनफील्ड, 22 में से 16, केवल 4 ऐसे आपको एक्सप्रेस वे थे जिस पर पुराने एक्सप्रेसों को अपग्रेड किया जाता है, ठीक है ना, तो ये समझने वाली बात है। अब इसमें बहुत से राज्यों की बात की, क्षेत्रों की बात की, उस पर आपको देख लेना है, ठीक है। अब सरकार राज टोल के द्वारा सरकार को लगभग 40,000 करोड़ रुपये का मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो और भी बेहतर तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ही बताया था ना, हमारे पास जितना रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगा, रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगा, सेवाओं का जो हम लोग प्राप्त करते हैं, सेवाओं को किसी किसी संदर्भ में उसका मूल्य क्या, मूल्य कमी कमी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे बेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई गाड़ी अभी मान लीजिए प्रोडक्ट लेकर चली है, अभी वर्तमान में चलिए तो अभी समस्याएं बहुत है, मान के चलिए तो इसको पहुंचने में X से Y Z तक लगा 10 घंटा मान के चलिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी व्यवस्था हम सही कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट को एक वस्तु से दूसरे वस्तु ले जाने में उस चालक को जो भी संसाधन हो, रेल से हो, ट्रेन से हो, जल से हो, किसी से भी ले जा रहा है, तो उस वस्तु को पहुंचने में मान लीजिए 5 दिन लगा, तो इस 5 दिन एक्स्ट्रा जो खर्च हुए हैं वस्तु कहाँ जुड़ेगा, वस्तुओं में ही जुड़ेगा ना, खाने पीने रहने और बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसका खर्च होता है, तो ये 5 दिन का एक्स्ट्रा किसके साथ जुड़ता है, वस्तु के साथ जुड़ता है, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ लाखों लाख बसें चलती है, लाखों लाख ट्रक चलता है जो इस प्रकार का सेवा आपूर्ति करता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और भी बेहतर होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, कृषि की किसानों की आय बढ़ाने में मिल सकती है सफलता, ऐसी बातें की जा रही है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बातें की गई है बहुत दफ़ा कि
कि इसमें हम लोग कैसे विकास करते हैं। तो कृषि अभी हम लोग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होता है, 60%। इसमें देश में आर्थिक विकास में 10% से अधिक किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है, इसलिए कि अपडेट हुए हैं कुछ चीजें। जैसे अप्रैल 2016 में इस संबंध में एक मंत्रालय समिति का गठन किया गया, केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया था और सुझाव दिया गया तमाम उपायों को साथ मिलकर काम किया जाएगा, जिसके लिए सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे। कई देशों में कितनी जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। 2015-16 में कृषि बजट के दौरान ये बातें भी की गई थी कि 24,460 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे कृषि क्षेत्र को, पर 2022-23 के अगर बढ़कर यही आंकड़े कितने 1,33,551 करोड़ रुपये पहुंच गई है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। फसल बीमा योजना के बारे में चर्चा की गई, उस कितनी दफा मैंने आप लोगों को चर्चा किया फसल बीमा योजना के बारे में। तो ये सब आपको भारतीय SBI का आंकड़ा या रिपोर्ट के अनुसार क्या बोलता है, 2017-18, 2021-22 में बीच किसानों की आय औसतन कितना था, 1.5 गुना वृद्धि हुआ है। MSP के साथ रंगनाजन समिति कितना रखा है, आंकड़ा कितना आय वृद्धि होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। रंगनाजन समिति के बारे में चर्चा किया, इसलिए इधर उधर की बातें मत कीजिएगा, सीधा टू दी पॉइंट बात कीजिएगा, ठीक है। अब MSP में भी वर्ष 2014-15 में 2.3% की गुना वृद्धि हुई है, यह भी कहीं ना कहीं फैक्टर काम करेगा हमको बेहतर करने के लिए। तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखना है, कवर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब हम और नीचे आएंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा, 2030 तक लॉन्च हो सकती है 6G सेवा। अभी 5G टावर लग रहे हैं, जल्दी सारे देश में लागू हो जाएंगे, उसके 2030 तक लॉन्च हो जाएगा 6G। इसलिए मोबाइल लेना हो तो अच्छे से लीजिएगा सोच समझ के, नहीं तब तक क्या होगा पुराना हो जाएगा। इसे थोड़ा सा आप लोगों को पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है। एक पीटी फैक्ट और नीचे होगा, उसे भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए 2000 का 76% नोट बैंकों में वापस आया, ये भी पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। देखिए आने वाले नीचे आइएगा, नीचे पीटी फैक्ट पाकिस्तान के बारे में है। IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है पाकिस्तान। इससे 3 मिलियन आपको 3 मिलियन कर्ज मिलते ही वो क्या होगा, 3 अरब, सॉरी 3 अरब को कर्ज मिलते हुए क्या हो जाएगा, वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा IMF कर्ज धारक हो जाएगा, कर्ज जिसको IMF ने दिया है, इसे याद रखिएगा। तो पहला कौन है, तो पहला आपको हमारा देश जो है बगल का याद रखिएगा, अर्जेंटीना याद रखिएगा आप, दूसरा इजिप्ट याद रखिएगा जहाँ भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में दौरा किया गया, तीसरा यूक्रेन याद रखना, चौथा आपको पाकिस्तान है। सभी के आंकड़े दिए गए। अर्जेंटीना के द्वारा 18 अरब डॉलर का ऋण लिया गया, मिस्र के द्वारा 12.2 अरब डॉलर का ऋण लिया गया, और 8.2 डॉलर के साथ इक्वाडोर चौथे स्थान पर है, जो 7.4 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान 5वें स्थान पर। ये आंकड़े स्थान याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। महंगाई दर पाकिस्तान का कितना बढ़ गया, 38% के आसपास पहुंच गया है, और इस डील के साथ IMF का डील हुआ है जो 24.5% की कमी आपको वर्तमान में दिख रही है, इसका मूल्य इतना हो गया है। ये सब चीजें याद रखनी है, आगे बढ़नी है, क्लियर है ना। चलिए फिर कल हम मिलते हैं और एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें सपोर्ट कीजिए और आंसर दिया कीजिए, तब तक के लिए आप लोग मजे में रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।